हेलो फ्रेंड्स, अपनी बात चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। अभी तक अपने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के कुछ बेसिक के बारे में। देखो, अपने पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की थी अपन ने। उसमें अपन ने देखा था, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, फर्स्ट वाला वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको STP शॉर्ट फॉर्म होती है। सेकंड वाली जो जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो अपना है सेकंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इसकी बात अपन ने कंप्लीट कर ली थी। 3.4 है वो अपनी, 13.4 है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, यानी VTP की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन क्या है, देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा किन्हीं दो वेक्टर्स का। अपने पास तीन वेक्टर है, वैसे ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है, ए बी एंड सी, ऐसे तीन वेक्टर हैं अपने पास। अब तो को थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो इसको, क्योंकि बहुत अच्छे से अपन पढ़ के आए सारी चीज़ को। ए बी एंड सी अपने पास तीन वेक्टर्स हैं, इनमें से दो वेक्टर हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे विथ विथ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थर्ड वेक्टर्स इज कॉल्ड ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अपन बोल रहे हैं अपने पास दो वेक्टर हैं उनका, कोई भी दो वेक्टर हैं उनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। उसके साथ क्या लेना है, तीसरे वेक्टर का भी क्या लेना है, उसके साथ वेक्टर प्रोडक्ट लेना है, क्या कहलाएगा अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी VTP कहलाएगा। ठीक है बेटा, इसको मैं डिनोट कैसे करूँगा। अपने पास मैंने मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लिया, मैंने मान लो इस देखो इसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लिया, दो वेक्टर है उनका वेक्टर प्रोडक्ट है, उनके साथ तीसरे वेक्टर का भी क्या है वेक्टर प्रोडक्ट है। ऐसे मैं लिखूंगा इसको, इससे ऐसे डिनोट करूंगा, ये क्या कहलाएगा अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। या ऐसे भी कह सकता हूँ बी क्रॉस सी क्रॉस ए, या ऐसे भी कह सकता हूँ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, ऐसे आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तीन वेक्टर हैं उनकी बात होगी। ठीक है, और तीनों का क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, अब बात करूँगा मैं थोड़ी सी आगे बात करूँगा। जैसे मान लो मेरे को दे दिया, मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की थी, तब अपने पास पहले वाला डॉट में था, आगे वाले दोनों क्या था क्रॉस में था, वेक्टर प्रोडक्ट थे, है ना। अब बात हुई अपने पास ये तीनों क्या है वेक्टर की बात हुई। मैंने पहले वाले में क्या दिया था, ए डॉट अगर बी क्रॉस सी है तो मैं उसको इक्वल में होगा अपने पास बी क्रॉस सी डॉट ए, क्योंकि ये डॉट में है, डॉट में एक दूसरे को चेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट में बात की थी, टू वेक्टर प्रोडक्ट में बात की थी कि अगर ए क्रॉस बी है, वेक्टर ए क्रॉस बी है, तब अगर उसके सामने अगर उसके अपोजिट की बात करता हूँ मैं, अगर बी क्रॉस ए कर देता हूँ तब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ये बात की थी ना मैंने, ठीक है ये बात की थी। तब देखो अगर मैं ऐसे बात करता हूँ अपने पास से, देखो मैं अगर ऐसे बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अगर अपने पास दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे तीन वेक्टर दे रखे हैं, मैं इन तीनों की बात करूँगा, अगर इन तीनों की बात करूँगा, अगर मैं ए को इस साइड रखता हूँ और बी क्रॉस सी को इस साइड रखता हूँ, तब क्या होगा, देखो ये बी क्रॉस सी क्रॉस ए ऐसा लिखूंगा, लिखते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस के डायरेक्शन बाहर आ जाएगी। मैंने अभी बताया था ना कि अगर ए क्रॉस बी है
तो अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूँ तो डायरेक्शन चेंज हो गई, बी क्रॉस ए में डायरेक्शन चेंज हो गई, माइनस का साइन आ जाएगा, और जो माइनस का साइन है वो किसको डिनोट कर देगा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है बेटा, अब बात करूँगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जो अपने पास ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर आपको दे दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे दिया और इसको सोल्व करेंगे तो आप कैसे करोगे, एक तरीका तो ये है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सोल्व कैसे किया था, आई कैप जे कैप, ठीक है ना, किया था ना, और अपने पास क्या था, के कैप, ऐसे किया था ना बेटा। तो ये हो गया बी की बात होती है, ये हो गया बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ऐसे सोल्व किया था। फिर इसको सोल्व करने के बाद अपने पास किसकी आएगी, ए क्रॉस ये आ गया, तो अपने पास ये कुछ भी आएगा तो ए क्रॉस इसके साथ हो जाए क्रॉस, तो इसकी भी डिटर्मिनेंट से सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है जिसको अपन यूज़ करने वाले हैं, देखो कैसे, अगर ये अपने को दे दिया तो इसको सोल्व, इसके क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे अपन, देखो अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे दिया तो मैं लिखूँगा ए डॉट सी, समझना इस बात को, ए डॉट सी इंटू में बी आएगा, माइनस लगाऊंगा मैं, ए डॉट सी इंटू में बी आएगा, फिर आएगा ए डॉट बी इंटू सी बेटा। ठीक है बेटा, ए डॉट बी इंटू सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझ लेना अच्छे से। देखो कैसे याद करना है, इसको याद कैसे करना है, मैं इसको वन मानता हूँ, इसको टू मानता हूँ, इसको थ्री मानता हूँ, वन टू थ्री माना तो ये हो गया, पहले वन का वन आ गया, सी क्या है थ्री है ना, तो थ्री आ गया, बी क्या है टू है तो टू आ गया, वन थ्री टू हो गया, माइनस का साइन, फिर क्या होगा ए बी सी, यानी वन टू थ्री, ए का वन है, बी का टू है, सी का थ्री है। कहने का मतलब अगर इस फॉर्म में ए क्रॉस बी क्रॉस सी आएगा तो कोई भी अगर दे दे अपन को, तब हम उनको इससे सोल्व कैसे करेंगे, 132 माइनस का 123, ऐसे बोल के सीधा 132 माइनस के 123, यानी ए डॉट सी इंटू बी, या इन दोनों बीच में डॉट नहीं है, इंटू बी, ठीक है ना, माइनस का साइन ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको इसे दे दिया मैंने, दे दिया माना बी क्रॉस सी क्रॉस ए दे दिया। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करके दिखाओ, तो इस फॉर्म में सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले वन टू थ्री ऐसे मानता हूँ ना मैं, तो आप लिखो वन थ्री टू माइनस का वन टू थ्री, ऐसे लिखो ना, तो वन थ्री टू, वन का मतलब क्या हो गया बी डॉट, थ्री कितना है ए, इंटू में क्या आ गया टू सी, समझ वाली बात है। फिर ये वन थ्री टू, वन टू थ्री सॉरी वन टू थ्री क्या हो गया बी डॉट सी इंटू ए, ऐसे। तो बेटा अपन इसको ऐसे सोल्व करके देखेंगे, ठीक है ना बेटा। अब बात करेंगे अपने एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखो एग्जांपल भी ले सकते हो आप इसको, 132 माइनस के 123 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है बेटा, 132 माइनस के 123 लेके भी इसको याद कर सकते हो। और अब क्वेश्चन की बात करेंगे कैसे करेंगे, चलो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा, आगे बात करेंगे।